आजकल एक लाइन बहुत फेमस है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। आपने भी सुनी होगी दोस्तों। अक्सर हमारी गलतियां हमें बाद में रियलाइज होती है, और गलतियां होनी जरूरी भी है। कई बार ये हमें बड़े बड़े सबक दे जाती है, मगर इससे पहले कि हमसे कोई गलती हो, हम बाकी लोगों की गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आप उसे कुछ बोल ही नहीं पाए, बस रो दिए? या कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है जो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं थी, मगर आपने उसे काफी ज्यादा सुना दिया, या आपको बात बात पर गुस्सा आता हो? ये सभी निशानी एक ऐसे इंसान की है जो इमोशनल फूल है, जिसका अपने इमोशंस पर कुछ कंट्रोल है ही नहीं। वो लोगों की बातों से ही खुश होता है और लोगों की बातों से ही गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, हमारी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे इमोशन से ही जुड़ी होती है। जिंदगी में हमारी सक्सेस या रिलेशनशिप के अलावा कोई दूसरा टॉपिक है ही नहीं। हमारी पूरी जिंदगी ही इन दोनों के आसपास घूमती रहती है, और इन्हीं दोनों का असर जब एक दूसरे पर होता है, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इमोशनल फूल बनना कैसे बंद करना चाहिए, कैसे आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हो, कैसे आप इन चीजों से बाहर आ सकते हो कि लोग आपके इमोशंस कंट्रोल करें। अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। इसके साथ ही आपको मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टा पर मुझसे जरूर जुड़िए ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो। दोस्तों, कई बार हम किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, या किसी जॉब वगैरह में भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जब हम नए नए इन चीजों में जाते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, मगर बाद में इन दोनों ही जगह जब हमारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। देखो यार, किसी को भी हद से ज्यादा सोचना कि आप उससे बहुत अटैच हो, आप नहीं चाहते कि सामने वाला आपसे दूर जाए, तो जब ये सिर्फ आपका दिल कर रहा होता है, उस जगह थोड़ा संभल जाया करो, क्योंकि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो सामने वाले को आपके पास रखने की, पर अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कोशिश सक्सेस हो सकती है, क्योंकि यार हम किसी के लिए रोकर या किसी के पैरों में बैठकर कभी भी अपने रिश्ते को बचा नहीं सकते। और अगर इस तरह आपका रिश्ता बच भी जाता है, तो भी इस रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। जहां आपको अपना साथ साबित करने के लिए बार बार सामने वाले के सामने झुकना पड़ रहा है, उस जगह मत रहा करो। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, देखो कि वाकई ये रिश्ता दोनों की तरफ से चल रहा है, या सिर्फ आप ही ये रिश्ता चला रहे हो। इसके बाद किसी से भी इजीली अटैच होने से पहले थोड़ा सोचो, और उसके बाद ही ट्रस्ट करो। हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो लोगों की बातों में बहुत इजीली आ जाते हैं, उन्हें कोई तसल्ली दे या यकीन दिलवाए, उनका कभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में यार कभी भी आपको आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। शब्दों से नहीं, एफर्ट से लोगों को पहचाना करो। बोलने से तो हर कोई आपको रोज याद करता है, मगर एक्चुअल में कौन है जो आपको रोज याद करता है, रोज आपकी मदद के लिए आगे आता है? ऐसे लोगों को देखो, परखो, उसके बाद ही ट्रस्ट करो। इसके बाद है तुरंत एक्शन मत लिया करो। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें कोई कुछ बोले तो तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। जैसे कोई बार बार आपको गुस्सा दिलवाता है तो हर बार ही उस पर गुस्सा करना, या कोई बार बार आपको ये बताए कि आप स्पेशल हो जबकि आपको सच दिख भी रहा है, तो इन सब चीजों में किसी की भी बातों में आकर तुरंत फैसले मत लिया करो। दोस्तों, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ना सीखो, वक्त के रहते हर एक चीज क्लियर हो जाती है। अब जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो रिवेंज लेने की भावना को थोड़ा थाम कर कर्मा पर बिलीव करोगे तो भी बहुत मुनाफा होगा। और ऐसे ही किसी की बातों में आकर हर बार उस पर भरोसा करने से पहले थोड़ा वक्त लेकर उसके साथ रहोगे तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने आप को वक्त देना सीखो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस पर काम कर पाएंगे। इसके बाद लेजेंड्स की जो किताबें होती है, उन्हें पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश किया करो। आपका दिमाग उनको पढ़ने से काफी ज्यादा खुलेगा। यार, जो लेजेंड्स होते हैं, असल में उनकी सोच और उनकी कला दोनों ही बाकी लोगों से हटकर होती है, और इसी वजह से उनको लेजेंड्स कहा जाता है। आप कभी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखना, उनकी जर्नी के बारे में जानना, आपको पता चलेगा कि उनकी सोच पहले से ही अलग थी, वो किस तरह से रहते थे, वो क्या सोचते थे। आपको उन्हें जानकर बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, और आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। इसके बाद कुछ सही चीज को इग्नोर करने से पहले थोड़ा सोचा करो। इमोशनल लोगों में बुरी बात यह होती है कि वो हर एक चीज के कंट्रोल में आकर बाकी चीजों से भी ध्यान हटाने लगते हैं। जैसे उनका किसी बात से दिल दुखा तो वो कहीं घूमने का प्लान भी कैंसिल कर देते हैं, या खाने से भी मुंह घुमा लेते हैं। जबकि यार आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मूड ठीक करने के लिए आपको नई नई चीजें करनी पड़ेगी। खाने से मुंह ना मोड़कर या थोड़ा बहुत बाहर घूमकर आने से आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा, और हो सकता है कि आपको अपने आप में ही अच्छा लगने लगे। तो ये जो आपकी फीलिंग है, जो आप हर एक चीज का असर किसी दूसरी चीज पर कर देते हो, इसे जरा कंट्रोल करना सीखो। शुरू में ये चीज आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी, मगर धीरे धीरे सब कुछ आपके कंट्रोल में होने लगेगा।
दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें वाकई आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ ही आपका दिल से शुक्रिया, हमारी यूट्यूब पर 1 मिलियन फैमिली हो गई है। आप इसी तरह से प्यार बनाए रखो, मैं ऐसी ही नई नई चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। और मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।